चलिए बुलेटिन को बढ़ाते हैं आगे। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का पांचवा दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने साल 2022-23 के स्नातक और परास्नातक कक्षाओं के 21,230 छात्रों को उपाधि प्रदान की। इसके अलावा स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में उच्चतम अंक पाने वाले 81 छात्रों को स्वर्ण पदक दिया। स्नातक स्तर पर कला विज्ञान और वाणिज्य संख्या में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को श्रीदेव सुमन गोल्ड मेडल देकर उनकी पीठ थपथपाई। मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यहां उपाधि लेने और स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्रों को राष्ट्रीय हित में सेवा करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और हमारी जो बेटियां हैं वो सबसे अलग है। आई हैव सीन दिस इज अ कांस्टेंट फैक्टर व्हिच वी आर सीइंग एवरी डे। मैं जिस भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जहां भी कॉन्वोकेशन होता है, अप्रोक्सीमेटली 60-70% हमारी जो बेटियां हैं वो गोल्ड मेडल जीतती हैं। मुझे ऐसा लगता है जिस परिवार के अंदर में शिक्षा के प्रति, जिस परिवार के अंदर में विकास, उन्नति और प्रगति के प्रति इस प्रकार का जोश है, उस परिवार को, उस प्रदेश को, उस राष्ट्र को कोई नहीं रोक सकता है विश्व गुरु बनने के लिए, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती के अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी की ओर से किए गए कार्यों को याद किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी उन्हें भूलती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी विभूतियों की जीवनी को पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी ने दून विश्वविद्यालय देहरादून में राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ किया है। जनरेशन इंडिया और उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू हो गया है। कॉन्क्लेव युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्रों में नई संभावनाओं के द्वारा यहां खोलने की दिशा में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका, सीएम धामी की ओर से कहा गया। कॉन्क्लेव युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर सरकार कार्य कर रही है। 2 सालों में सकल घरेलू उत्पाद में 1.3 गुना वृद्धि हुई है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाई गई हैं 30 नई नीतियां। उत्तराखंड युवाओं को रोजगार देने में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है ये। 1 साल में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है। राज्य के प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य सरकार युवा शक्ति को प्राथमिकता दे रही है। कौशल विकास को राज्य के प्रमुख एजेंडे में शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हजारों युवाओं को यहां रोजगार मुख्य दिया जा रहा है प्रशिक्षण। विदेशी प्लेसमेंट नीति के तहत युवाओं को विदेशी भाषाओं सहित विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। हॉस्टल की भी स्थापना की गई है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से दक्ष उत्तराखंड नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विकास भी किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा विदेश प्लेसमेंट नीति के तहत राज्य के युवाओं को विदेशी भाषाओं सहित विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि हमारी युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब कंपटीशन कर सकें, प्रतिबद्धता कर सकें और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। हाल ही में हमने इसके पहले चरण में 33 युवाओं को जापान भेजा है। एक हमारी अच्छी शुरुआत अभी हुई है। अच्छा, हाँ, बूढ़े लोगों के लिए और उनकी चैरिटी के लिए। इसके अतिरिक्त 25 युवाओं को जर्मनी और ब्रिटेन में नर्सिंग क्षेत्र हेतु भेजने की योजना बनाई जा रही है। मुझे बताया गया कि इस कॉन्क्लेव में विभिन्न सत्रों के माध्यम से राज्य के प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर्स में देख भी रहा हूँ, जैसे आयुष, वेलनेस, पर्यटन, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, वन आधारित आजीविका, डिजिटल मार्केटिंग, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, अक्षय ऊर्जा आदि। इन सभी पर
आज चर्चा की जा रही है। मुझे विश्वास है कि आज के इस कॉन्क्लेव से प्राप्त विचार और सुझाव निश्चित रूप से राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए तैयार की जाने वाली जो नीतियां हैं उन नीतियों में अत्यंत लाभकारी होंगे। साथियों, हमारा राज्य और हमारी सरकार द्वारा राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष उद्देश्य से अनुदान और कई जो सहायता योजनाएं भी लागू की गई हैं। राज्य को इनोवेशन हब के रूप में विकसित करने और देहरादून के आईटी पार्क में इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने के पीछे भी हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले न बने, आने वाले समय में वो सभी नौकरी देने वाले बने। सुंदरम जी ने पूरा हमारा जो अभी दो हमारे इनक्यूबेशन सेंटर, एक हवालबाग अल्मोड़ा में और दूसरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा, भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से याद रखा जाता है। उनकी महानता इतनी थी कि विपक्ष के नेता होते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार की संज्ञा दी थी। एक तेज तर्रार, त्वरित निर्णायक क्षमता और लोकप्रियता ने इंदिरा गांधी को देश और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार किया है। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। सीएम धामी और कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दून विश्वविद्यालय देहरादून में राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ किया। युवाओं के कौशल विकास की दिशा में निरंतर किए जा रहे हैं कार्य। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इन तमाम बातों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थाओं की मांग के अनुसार युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। कौशल और रोजगार पर हमारा पूरा ध्यान है। हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए ढांचा बनाने पर जोर दे रहे हैं। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के लिए लघु अवधि के कोर्स भी कराए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का, नीति आयोग और सेतु विभाग के समस्त अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उत्तराखंड के लिए कि स्किल कैसे डेवलप किया जाए और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, उस पर एक कार्यशाला यहाँ रखी गई है। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि अगर 2014 के बाद इस देश में स्किल के ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई तो उसका इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जब उन्होंने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात कही।
और उन्होंने स्किल डेवलपमेंट विभाग एक अलग से बनाया ताकि देश के युवाओं को शिक्षित कर सकें, स्किल कर सकें और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकें उनके लिए। इस कार्यशाला से समस्त क्षेत्रों से यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हैं। जब यहाँ पर अब बैठेंगे, चर्चाएं होंगी तो कुछ नीतियाँ बनेंगी। कोई भी चीज़ बिना नीति के नहीं हो सकती। नीति बना के जिस तरीके से पिछले 3 साल में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में बच्चों को स्किल किया गया है, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी गई है, उत्तराखंड को एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ाया गया है, उसी तरीके से नई नीतियाँ बना के हम जो भी यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा उसको अडॉप्ट करेंगे और बच्चों को स्किल करने के लिए और उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। मसूरी में विंटर लायन कार्निवल को लेकर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें होटल एसोसिएशन, नगरपालिका, पर्यटन विभाग, मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विंटर लायन कार्निवल को भव्य बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, जिसमें वर्ल्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, फूड फेस्टिवल, बैंड वादन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में यह कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह ने बताया कि विंटर लाइन कार्निवल के तहत शहर को सजाया जाना है और कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ ही विभिन्न कलाकार हिस्सा लेंगे। इसके लिए रूपरेखा बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में पर्यटकों को काफी आमद रहती है, ऐसे में इस कार्यक्रम से पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। लाइन कार्निवल की मीटिंग में हम लोगों ने मेजर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बुलाया था, जिसमें हमारे होटल एसोसिएशन से लेके ट्रेड एसोसिएशन और जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं सभी का इसमें आज प्रेजेंट थे। और हम लोगों ने ब्रॉड पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है कि फंड रेजिंग हमें किस तरीके से करनी है और कौन से हमारे डेज हैं जो कि सूटेबल हैं हमारे इस इवेंट के लिए और क्या क्या मेजर काम है जो हमें आगे 1-2 हफ्ते में कर लेना है ताकि हमें सहूलियत हो इस कार्निवल को कराने के लिए। जैसे कि हमारा जो मॉल रोड है उसके ऊपर लाइटिंग प्रॉपर हो जाए, जो हमारी रेलिंग्स हैं उसका थोड़ा ब्यूटिफिकेशन हो जाए, जो हमारे कुछ कुछ स्पॉट्स हैं जैसे म्यूरल्स हैं जो हमारे कहीं ना कहीं MDDA के द्वारा जो बनाए गए थे तो वो थोड़े और चमक जाएँ, जिससे कि हमारी मसूरी थोड़ी चमक। हमारी कोशिश रहेगी कि ये काफ़ी एक इंक्लूसिव एज वेल एज बहुत ही अच्छा शो हम लोग सामने रखें, जिसमें हम लोग लोकल्स एज वेल एज जो हमारे बाहर के हैं जो एक अच्छा शो लोगों के सामने रख पाएंगे उन सभी। समाज में छोटी बालिकाओं के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक सामाजिक संस्था ने जागरूकता फैलाने की पहल शुरू की है, जिसकी शुरुआत लक्ष्मण झूला स्थित प्राथमिक विद्यालय से की गई। प्राथमिक विद्यालय की अगर बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही छोटी बालिकाओं को संस्था के सचिव विधि गुप्ता ने गुड टच और बैड टच के अंतर को बखूबी समझाया। उनको शारीरिक सुरक्षा, आत्मरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जानकारी भी दी। संस्था के संस्थापक अश्विनी गुप्ता ने बताया कि गुड टच और बैड टच के अंतर को जानकर छोटी बालिकाओं में काफी उत्साह देखा गया है। कार्यक्रम में बालिकाओं को बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ असहज व्यवहार करता है तो वो चुप न रहें, तुरंत अपने माता पिता और शिक्षकों को इसकी जानकारी दें। साथ ही अश्विनी गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, कई सवाल पूछकर अपनी आशंकाओं का समाधान भी किया। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए, इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुड़की में खनन विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां कुछ दिन पहले भगवानपुर दरियापुर लक्सर क्षेत्र में दी गई परमिशनों का दुरुपयोग का मामला सामने आया था, जिसकी प्रतिक्रिया में मातृ सदन स्वामी शिवानंद सरस्वती ने खनन अधिकारी कासिम खान के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए संपत्ति जांच की मांग की है। आपको बता दें कि पूर्व में अवैध खनन मामले को लेकर लगभग 70 दिनों के अनशन पर स्वामी शिवानंद बैठ चुके हैं। लगातार जनपद में मिल रही खनन परमिशन पर स्वामी शिवानंद ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ओवरलोड डंपरों को तत्काल बंद करने की प्रशासन से अपील की है। साथ ही खनन विभाग की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों और खनन माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की है। अवैध खनन एक बड़ा मामला है। लगातार कई संगठन, कई लोग इस अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार प्रयत्न रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं मातृ सदन में, मातृ सदन के स्वामी शिवानंद सरस्वती जी से बात करेंगे इस अवैध खनन को लेकर। स्वामी जी, लगातार परमिशन की आड़ में, खनन विभाग द्वारा दी जा रही जो परमिशन है उसकी आड़ में अवैध खनन हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना? पहले तो हमको बता दें कि जब गंगा और उसकी सहायक नदियों में खनन पर पूर्ण पाबंदी NMC से लगी हुई है और हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेकर के उस पर पाबंदी लगा दी है, तो खनन हरिद्वार में कहाँ होगा? गंगा और उसकी सहायक नदियाँ भी हैं। गंगा जी 5 किलोमीटर दूर स्टोन केसर पर पूर्ण बन गया। तो जो कुछ हो रहा है इस सब का अपना धंधाबाजी है और धंधाबाजी के चलते तो लूट खसोट के अलावा और कुछ नहीं। चाहे वो परमिशन ज्यादा रहा है वो भी गलत है। 2 बीघा का देगा परमिशन और 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा पर करेगा। और लगातार जो अवैध खनन का मामला है वो जब इस कदर इस जनपद में हावी है, बावजूद अधिकारी खनन की परमिशन दे रहे हैं, तो क्या जाँच का विषय है? इस पे जाँच का विषय है। यदि एक भी जाँच बैठा जाए तो बहुत लोग पकड़ाएगा। इस सब की तो कुछ ही बात, सीधी सी बात है, इस सब की संपत्ति ना। स्वामी जी, लगातार जैसे अवैध खनन होता है तो डंपर जो है वो ओवरलोड स्थिति में सड़कों पे दौड़ते हैं, जिससे आम जीवन, जनजीवन तो प्रभावित है। का डंपर चलना भी नहीं चाहिए क्योंकि तीर्थस्थल है, तीर्थस्थल है, यहाँ हमेशा यात्री आते रहते हैं। यहाँ से बहुत से स्कूल कॉलेज हैं, बच्चे ये होते हैं, कितने बच्चे शिकार हुए हैं और कितना जो ये लोग खनन करके किया है, तभी कितने बच्चे उसमें डूबे हैं। तो हमको लगता है 50-60 आदमी तो डूब करके और इससे उससे ज़्यादा ही मरा होगा। न प्रशासन के पास कोई रिकॉर्ड होगा और प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। सैकड़ों व्यक्ति मर जाए, उससे प्रशासन को और शासन को यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। तो आपको बता दें, हमारे साथ स्वामी शिवानंद सरस्वती थे, बड़ा नाम है और लगातार अवैध खनन के लिए के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं। पूर्व में भी कई बार अनशन पे भी बैठे हैं। प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट साधना प्लस के लिए। उत्तराखंड में अचानक बदले मौसम के बाद पहाड़ों में ठंड की दस्तक तेज हो गई है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप शुरू हो गया है। कोहरा होने की वजह से मैदानी इलाकों में वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। चालकों को दिन में भी वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। खासतौर पर सुबह और शाम को कोहरे का प्रकोप ज्यादा है। कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली और नैनीताल रूट दिखाई दे रहा है।
हरिद्वार से आगे सुबह के समय कोहरा इतना ज्यादा है कि चालक चंद कदमों की दूरी तक भी साफ नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वाहन चालकों को फॉग लाइट जलानी पड़ रही है। कोहरे की वजह से मैदानी इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है, इसीलिए प्रशासन ने चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। वाहनों की रफ्तार धीमी होने से दिल्ली का सफर ऋषिकेश से 5 घंटे की जगह 6 घंटे में तय हो रहा है, जिससे सवारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विजिबिलिटी कम होने के असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप अभी बढ़ने की आशंका है। वहीं पहाड़ों में सूखी ठंड लोगों के लिए परेशानी का सबक बनेगी, क्योंकि अभी बारिश के आसार कम हैं। बैरीनाग विकास खंड के उड़ियारी गांव निवासी 44 वर्षीय एएसआई राजेंद्र सिंह महारा का हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। एएसआई राजेंद्र सिंह महारा बागेश्वर में रेडियो शाखा में तैनात थे। पुलिसकर्मी राजेंद्र का पार्थिव शरीर लेकर उनके घर उड़ियारी पहुंचा। राजेंद्र की आकस्मिक मौत की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। पुलिस और ग्रामीणों की ओर से थल रामगंगा नदी तट पर राजेंद्र की यहां पर अंत्येष्टि की गई। अंत्येष्टि में क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राजेंद्र की मौत से गांव में शोक की लहर है। एएसआई राजेंद्र के निधन पर विभिन्न संगठनों ने शोक जताया। काशीपुर पुलिस ने नशा माफिया को अवैध नशा स्मैक की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। नशा तस्कर से बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ की बताई जा रही है। यहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि काशीपुर पुलिस ने मुरादाबाद रोड स्थित मार्ग पर चेकिंग अभियान के दौरान एक स्कूटी पर सवार नशा माफिया मोहसिन को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से लगभग 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ आंकी गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पूर्व में कई बार नशे की तस्करी में जेल जा चुका है, जो बरेली से नशे की खेप लाकर यहां काशीपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में बेचने का काम करता है। उन्होंने कहा काशीपुर पुलिस ने बेहतर काम कर एक बड़े नशा माफिया को पकड़ा है। पुलिस और एसओजी की मदद से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मोहसिन है, और इससे 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसकी पूर्व में भी कई जगह से सूचना प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के थानों से जो शेयर होती हैं सूचनाएं, उसमें भी इसका नाम प्रकाश में आया था, परंतु यह बहुत दिनों से स्मैक का व्यापार गुप्त रूप से करता था और बरेली से स्मैक ले आता था। बरेली से जिस व्यक्ति से, जिस अपराधी से ये स्मैक ले आता था, उसकी भी सूचना प्राप्त हुई है। जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरी तरफ से एसओजी टीम और काशीपुर पुलिस को, जिसने इस बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया, 2500 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। जो भी नशे के व्यापार करने वाले तस्कर हैं, उनको आइडेंटिफाई। एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कार से नशीले इंजेक्शन की खेप किच्छा से बरामद की है। नशीले इंजेक्शन अवैध रूप से सप्लाई करने के आरोप में कार चालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी गई है। तस्करी में इस्तेमाल कार को भी एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर कब्जे में लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह और पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि एक युवक क्षेत्र में नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई कर रहा है। शिकायत के आधार पर एसटीएफ और पुलिस की टीम को किच्छा में एक्टिवेट किया गया। मुखबिर की सूचना पर टीम ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को तलाश के दौरान रोक लिया। तलाशी लेने पर कार से 1600 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम वीरपाल निवासी बरेली बताया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में वीरपाल ने बताया कि वह नशीले इंजेक्शन बरेली से खरीद कर रुद्रपुर और किच्छा क्षेत्र में बेचने का काम करता था। ड्रग इंस्पेक्टर एसटीएफ ने बताया कि यह नशीले इंजेक्शन बेहद ही घातक है। ड्रग ने जानकारी दी कि मार्फिन जैसे दर्द निवारक इंजेक्शन से भी ज्यादा नशीले इंजेक्शन एसटीएफ ने पकड़े हैं। श्री देवभूमि उत्तराखंड 2025 अभियान के तहत एक बड़ी सफलता एसटीएफ को माउंट यूनिट और थाना सितारगंज थाना किच्छा की पुलिस को मिली है, और इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान नशे की एक बड़ी खेप, जिसमें कि 1600 इंजेक्शन थे, वो हम लोगों ने बरामद किए हैं। और इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि थाना देवरनिया जिला बरेली का रहने वाला है, और इससे अभी तक हम लोगों ने 1600 इंजेक्शन और एक अल्टो कार बरामद की है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, कहाँ मैन्युफैक्चर थे, किस चैनल से यहाँ तक आए, वो कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना था,
उसकी डिटेल में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।